आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। 3 वर्ष की लड़की के साथ रेप, डायल हैंडेड वाहन से कूदकर आरोपी फरार, प्रधान आरक्षक सस्पेंड, आरोपी की सूचना देने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित। कटनी जिले के कैमूर थाना अंतर्गत ग्राम अमेहटा में एक 3 वर्ष की लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया है, जिसमें उसके घर के बगल में किराए से रहने वाले एक व्यक्ति ने रात को लड़की को घर से उठाकर बाहर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया है। रात्रि में ही ग्रामीणों ने उसे पकड़कर बांधकर जमकर पिटाई की और हैंडेड डायल को खबर कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे लेकर थाने आ ही रही थी कि आरोपी पुलिस को चकमा देकर वाहन से कूदकर भागने में सफल हो गया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर कैमूर झुके ही मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस द्वारा भारी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मांगें पूरी करने पर चक्का जाम को समाप्त कराया गया। पीड़िता को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती कराया गया और प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी की तलाश जोरों से की जा रही है और आरोपी की सूचना देने वाले को 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है। क्षेत्रीय विधायक संजय सत्यन पाठक ने घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन को आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर सजा देने की मांग की है। इस घटना से समूचे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और पूरा क्षेत्र शर्मसार हो गया है। इस घटना के बाद जहां क्षेत्रीय जन काफ़ी दुखी एवं आक्रोशित हैं, वहीं कुछ उपद्रवी असामाजिक तत्वों के द्वारा बाहर से आए लोगों के साथ मारपीट करने और उनको शहर छोड़ के जाने की धमकी देते हुए दहशत का माहौल तैयार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन अपने ऊपर लगे आरोपों से कैसे मुक्त हो पाता है। रिपोर्ट संतोष प्रसाद तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज, कैमूर। ये जाम क्यों लगा हुआ है? ये जाम एक हमारे यहाँ 3 साल की आदिवासी बच्ची है, उसके साथ में रात को 2 बजे एक दुष्कर्म किया गया, बहुत जगह का अपराध किया गया, तो पुलिस प्रशासन को सौंपा गया और आरोपी को पुलिस द्वारा उसको भगा दिया गया और अभी तक उस बच्ची का इलाज निरामण नहीं चल रहा। हमको बच्ची का पहले अच्छी चिकित्सा चाहिए उसकी और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए आरोपी को और उसको जाम का है लगाया। जाम लिया भैया, लड़की करीब 4 साल की बच्ची का रेप किया गया, इसलिए जाम लगाया गया है। प्रशासन तरफ से हमको इसके बाद मुस्लिम को छोड़ा गया, इसलिए हमने इसको इसके बाद जाम किया है। पुलिस वाले से गलती की गई है, इसलिए हमें जाम किया। संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल निष्कासित किया है। गलती है, पुलिस की गलती है। जो पुलिस वाला है उसने हम लोगों से छुड़वा के ले गया है, कि आप हैं, इसकी कार्रवाई हम करेंगे, पर उसने हम लोगों से जबरदस्ती छुड़वा के ले गए हैं और हमारा के पास छोड़ दिया गया है। गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा, आप क्या गया है? क्या प्रशासन से न्याय चाह रहे हैं? प्रशासन से ही न्याय चाहते हैं। जब तक फैसला होगा तब तक जाम नहीं खुलेगा। जाम नहीं खुलेगा और जो 3 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए। अच्छा, आप जितने दिन भी लगेंगे, अगर प्रशासन समय मांग रहा है तो जितने दिन भी लगेंगे आप बैठ के? हमारा खून गया है, हमको मालूम है, अकर्ती हमको भी है। आपके साथ हुआ होता साहब जी, आप भी बोलते हैं उसको नहीं कह रहा 24 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर जाम नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। पुलिस वाला मैंने क्या हुआ है? कहे इतना क्रोधित हो, बताइए। अरे पुलिस वाला गद्दार है, क्यों भगा देता है मुजरिम को? 76 करने वाले को पुलिस वाला भगा देता है। पुलिस ने भगा दिया, भगा दिया गद्दारी करके। और अभी बच्ची कहाँ है? बच्ची पुलिस वाले आज कोई बड़ा आदमी नहीं लगता, कोई जो अच्छा मुजरिम लेके हटकाई लग रहा। अगर गिरा होता गिरा होता तो घायल हो गया होता। अरे
और जितने मुर्जिम का दोष है उतना पुलिस का भी बना रहे रोड पे चक्का जाम किस बात को लेके किया जा रहा है? यहाँ आदिवासी महिला बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ। कैसा? यहाँ में आदिवासी जो बच्ची है 3 साल की, उसके साथ जघन्य अपराध किया गया, बलात्कार किया गया। हमें हमारी मांग ये है कि दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जिस पुलिस अधिकारी ने उसको भगाया है उसको तत्काल निलंबित किया जाए और निलंबित किया जाए और बच्ची की चिकित्सा सबसे पहले हमें चाहिए। अच्छा, सबसे पहले बच्ची की चिकित्सा चाहिए, इसके बाद सस्पेंड होना चाहिए। और जिस जगह से आग लग रही है प्लांट में बाहरी लोग आके बलात्कार जैसी घर किया जाए तो उस विषय में क्या % रोजगार की बात की थी। अब ये मुद्दे बात के हैं। पहले हम बच्ची के लिए आए थे, बाकी ये SEC वगैरह के मुद्दे चलाने नहीं आए हैं। हम बच्ची के लिए न्याय मांगने आए हैं। पहले प्राथमिकता उसको, सबसे पहले हमें बच्ची के साथ न्याय चाहिए। बच्ची अभी कहाँ है? बच्ची कटनी से जबलपुर रिफर हो रही है। अच्छा, जबलपुर में है। चारों तरफ हम लगा दिए हैं बल, थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा। आप लोग SEC के कर्मचारी हैं ना? वहीं से भागे हैं जो विवाद हुआ है। कहाँ से हैं आप लोग? झारखंड से हैं। इस विवाद को देख के आप लोग भाग रहे हैं? ठीक, ये सब SEC के कर्मचारी हैं। अमेटा में घटित बलात्कार की जो घटना है, ये इससे ज़्यादा अमानवीय और कुछ नहीं हो सकता। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। 3.5 वर्ष की बच्ची के साथ तो कोई मानसिक विक्षिप्त आदमी ही इस प्रकार की घटना कर सकता है। मैंने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया, SP महोदय से, कि जो पकड़ में आ गया था पुलिस की लापरवाही से छूट गया था, ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए, जिसे SP महोदय ने सस्पेंड भी कर दिया है। बच्ची के इलाज में हमारा पूरा स्टाफ, हमारे सहयोग के लोग, परिवार के लोग, छोटे भाई लोग सब लगे हुए हैं और बहुत जितना बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है संपूर्ण इलाज हमारे द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर दोषी को पकड़ा जाए और उसको कम से कम फांसी की सज़ा दिलाई जाए। इसके साथ साथ SP और कलेक्टर दोनों से आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 0 टॉलरेंस की नीति अपना रखी है कि कोई भी छोटी बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को साबुन नष्ट किया जाना चाहिए और उसके मकान को भी ढा देना चाहिए। ये मेरा आग्रह था SP कलेक्टर से, जिस पर भी कार्रवाई हो रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर तरीके से बच्ची के इलाज में भी पूरी व्यवस्था की जाएगी और दोषियों को फांसी की सजा तक पहुँचाने तक में मैं चैन से नहीं बैठने वाला।